चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो, इस चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में सब समझा ना, रिफ्लेक्शन के रूल्स देखे हमने। इसके अलावा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन से कैसी इमेजेस बनती हैं वो कंडीशंस देखी हमने। और कल हमने रिफ्रैक्शन का पॉइंट शुरू किया था, जिसमें रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं वो हमने समझा। याद है ना, रिफ्रैक्शन मतलब कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस रिफ्रैक्शन के लॉज हमने समझे, कुछ रूल्स भी देखे। आज हम लोग उसके नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे कि जैसे रिफ्रैक्शन में आज एक नया पॉइंट आता है, वो है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या, तो यहाँ समझो कि लाइट की जो स्पीड होती है ना, वो लाइट की स्पीड जनरली एयर में तो एक जैसी होती है, मतलब कि भाई नॉर्मली हुई, लेकिन जब लाइट दूसरे मीडियम में एंटर होती है ना, तो उसका एंगल तो चेंज हो जाता है, मतलब लाइट थोड़ी सी बेंड तो हो ही जाती है। रिफ्रैक्शन उसे ही तो कहते हैं ना, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ लाइट की स्पीड भी थोड़ी सी बदल जाती है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड भी थोड़ी सी बदल जाती है। हर मीडियम में उसकी थिकनेस के हिसाब से लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। जैसे एयर में लाइट की स्पीड नॉर्मल हुई, लेकिन वही लाइट अगर आप पानी में डालो तो क्या उसी स्पीड में जाएगी? नहीं, उसमें स्पीड थोड़ी सी फर्क होता है। कि अगर वही लाइट ग्लास में कांच में डालो तो क्या उसी स्पीड में होगी एयर जितनी स्पीड में? नहीं, उसमें भी अलग होता है। सही बात क्या? नहीं कि अगर वही लाइट दूसरे कोई सॉलिड सब्सटेंस में अगर आप लोग जो है वो ऐड करते हो, तो लाइट जब उस सॉलिड सब्सटेंस में से पास होगी तो उसकी थिकनेस के हिसाब से उसकी स्पीड अलग होगी। तो लाइट की स्पीड, इन शॉर्ट लाइट की स्पीड हर मीडियम में अलग अलग होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसे कहते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है ना, तो दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनों मीडियम की लाइट की स्पीड का रेशियो उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। कि सपोज कि अगर ऐसा हो कि लाइट यहाँ एयर में से, जैसे मीडियम वन एयर है और दूसरा ग्लास है, ये समझो लाइट एयर में से ग्लास में पास हो रही है, एयर में से ग्लास में आ रही है, ठीक है। तो उसमें एयर में उसकी स्पीड जो भी हुई और यहाँ ग्लास में उसकी स्पीड जो भी हुई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसे कहते हैं कि इसे जो है वो सेंटेंस वाइज ऐसे लिखा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू ग्लास। जैसे फार्मूला वाइज ऐसे लिखते हैं कि उसे लिखते हैं N2:1। समझो, ये जो एयर है उसे मीडियम वन कहा और जो ग्लास है उसे मीडियम टू कहा हमने। तो एयर से ग्लास में जा रही है ना, तो जिसमें लाइट एंटर होती हो ना, उसे पहले लिखते हैं 2:1। क्या लिखते हैं? N2:1 ऐसे लिखा जाता है, कि इसका मतलब एयर में से ग्लास में आ रही है। और फॉर्मूला वही लिखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, कि एयर में स्पीड कितनी है और ग्लास में स्पीड कितनी है, उन दोनों का डिवाइड या उन दोनों का रेशियो, या शॉर्ट में कहो तो V1/V2। तो इन दोनों का डिवाइड वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। अगर कभी लाइट ग्लास से एयर में जाती हो, कि ग्लास से एयर में जा रही है, तो उसे लिखा जाता है N1:2। क्या लिखा जाता है? 1:2, मतलब वो ग्लास में से एयर में जा रही है। और उसकी फॉर्मूला क्या, कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, के ग्लास में है ना पहले, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, या कहो V2/V1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ इन दोनों का डिवाइड, समझे। तो सिंपल सा मीनिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये सिर्फ छोटा सा टॉपिक ही है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है ना, तो दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो
उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, प्रैक्टिकली काफ़ी जगहों पर यूज़ होता है। आपकी टेक्स्ट बुक में तो इतना नहीं दिया हुआ डिटेल में, लेकिन इनका प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं काफ़ी जगहों पर। कि जनरली आपकी टेक्स्ट बुक में है ना सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ये टेबल दिया हुआ, वो भी नॉलेज के लिए, एग्जाम में नहीं आता, ये नॉलेज के लिए सिर्फ दिया हुआ है कि सबका, हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 है, तो इसका मतलब 1 ही हुआ। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना जाता है, इसका मतलब एयर में नॉर्मल लाइट पास होती है, ठीक है ना। जैसे आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 है, कि अगर एयर में से आइस में लाइट पास हो ना तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 आएगा, ठीक है। या समझो इतने इतने प्रोपोर्शन में लाइट बेंड होगी तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, अल्कोहल का 1.36 है, केरोसिन का 1.44 है। कैसे सबका दिया हुआ है, जिस जिस में से लाइट पास हो सकती है उन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यहाँ दिया हुआ है, बरोबर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ये पॉइंट्स है ना, जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रैक्टिकली फिर काम आते हैं। वो प्रैक्टिकली आपको इस चैप्टर में नहीं है, आगे के चैप्टर्स में आएगा कि इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करेंगे। तो अभी तो सिर्फ हमने ये पॉइंट देखा, अब उसके बाद का हम लोग मेन पॉइंट देखें रिफ्रैक्शन का, तो वो आता है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। कि हमने जैसे रिफ्लेक्शन में देखा था ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन कैसा होता है, अब हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन देखना है। मिरर में रिफ्लेक्शन होता है और लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि मिरर जो होता है ना, जो हमने रिफ्लेक्शन में देखा था कि जब मिरर जो होता है ना वो मिरर में एक ही साइड शाइनिंग होता है और दूसरी तरफ ओपेक ही होता है। मैंने आपको बताया था कि आपके घर में जो कांच है, जो मिरर है जिसमें आप अपना खुद को देखते हो, तो वो एक ही साइड है ना, ट्रांसपेरेंट तो नहीं है ना, आर पार तो नहीं दिखाई देता ना, तो वो मिरर है। आपके चश्मे का जो कांच आता है ना उसमें आर पार देख सकते हो आप, तो वो लेंस है। तो रिफ्रैक्शन लेंस में होता है, मिरर में नहीं होता। कि आपका जो कांच है जिसमें आप अपना खुद को देखते हो, तो उसमें रिफ्रैक्शन, उसमें ये रिफ्रैक्शन पॉसिबल है, खुद ही सोचो। उसमें रिफ्रैक्शन होगा कि लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम, आपके कांच में से लाइट पास हो जाएगी, नहीं ना, उसमें रिफ्लेक्शन होगा, लाइट टकरा के वापस आएगी। जबकि आप जो चश्मा पहनते हो ना, तो उस चश्मे में लेंस होता है ये, उसमें लाइट पास करो आर पार जाएगी ना, ठीक है ना। तो अब हमें लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन देखना है। तो लेंस भी दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो ना, ये वाला कि जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो ना, तो उसे कॉनकेव लेंस कहते हैं, और जो जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो ना, तो उसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में सब रूल्स वही हैं जो हमें, जो हमने कॉनकेव और कॉनकेव मिरर में देखे थे। कि देखो वही जो है, ये जो मिरर, ये जो लेंस है, उस लेंस में बिल्कुल बीच में जो लाइन पास होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस लेंस का जो बिल्कुल बीच में सेंटर है उसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या नाम देते हैं उसे, ऑप्टिकल सेंटर, ओ। मिरर में हम लोग उसे पोल कहते थे ना, या पोल नहीं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इस लेंस में से लाइट जो पास करो, तो लाइट पास करने से एक पॉइंट पे जहाँ लाइट जमा होती है ना, तो उसे हम लोग उसका फोकल पॉइंट कहते हैं, ये एफ। अब लेंस है, आप यहाँ से लाइट पास करो या तो यहाँ से लाइट पास करो, तो दोनों तरफ से लाइट पास होगी ना उसमें। तो इसमें अगर यहाँ से लाइट पास करोगे तो यहाँ पे ये एफ बनेगा, यहाँ पे फोकल पॉइंट मिलेगा, ये एफ क्या कहलाता है, फोकल पॉइंट। और दूसरा, ये जो लेंस भी होता है ना, ये लेंस भी दो अलग अलग सर्कुलर मिरर में से बनता है। मतलब समझो कि जैसे कॉन्वेक्स लेंस के एक ये मिरर हो सर्कुलर, और दूसरा ये सर्कुलर मिरर है,
तो इन दोनों सर्कुलर मिरर में ये जो बीच का पार्ट है ना, वो बीच का पार्ट अलग कर दिया जाता है, तो उसमें से बनता है ये कॉन्वेक्स लेंस ऐसा। तो ये जो मिरर बनता है, ये जो मिरर होता है, उस मिरर का भी तो कोई ना कोई सेंटर होगा ना। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो आगे था ना, वैसे ही उसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ लेंस में सी बी नाम दे सकते हो, सी बी कहते हैं, या तो उसे 2F B कहते हैं। आपके लेंस में ना, टेक्स्ट बुक में इसका नाम सब में 2F दिया हुआ, सी नहीं दिया हुआ। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए सी नहीं, क्या नाम है, 2F। क्यों? क्योंकि वो एफ का डबल होता है ना, बरबर ना, एफ का डबल होता है, इसलिए उसे क्या नाम देते हैं, 2F कहते हैं। इस तरफ भी ये एफ का डबल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, 2F कहते हैं। समझ रहे हो बात को? एफ का डबल ये 2F, उसे सी कहो या तो 2F कहो। तो बिल्कुल बीच में ये ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों एफ, उसे हम लोग कहते हैं फोकल पॉइंट, और ये 2F वो क्या कहलाया, वो कहलाया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये ऑप्टिकल सेंटर से, ये ओ से एफ तक का डिस्टेंस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। भले ये कॉनकेव मिरर में भी ऐसा ही, कॉनकेव लेंस सॉरी, ये कॉनकेव लेंस में भी ऐसा है। ये ओ से लेकर, ये जो ओ है, उस ओ से लेकर एफ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। और ओ से 2F तक का डिस्टेंस, जिसे कहते हैं रेडियस। सेंटर तक का डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं ना। तो सब डेफिनेशन वही है जो हमने मिरर में देखी थी, जो रिफ्लेक्शन में देखी थी, वैसी ही। यहाँ एक पॉइंट कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए नोट कर लेना, मैं ओरली बता रहा हूँ लेकिन अच्छी तरह से नोट कर लेना, कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ये वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है ना, हमेशा लाइट को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब कि लाइट को एक जगह जमा करता है। देखो यहीं पे जो इमेज है ये, कि ये कॉन्वेक्स लेंस में से सीधी लाइट जो पास होगी, तो यहाँ एक प्लेस पर जमा होगी ना सब लाइट, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस वो लाइट को हमेशा जमा करता है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस होता है ना, वो लाइट को डाइवर्ज करता है। यहाँ कैसे दिया हुआ, लाइट यहाँ दूर जा रही है, वो लाइट को डाइवर्ज करता है। इसी वजह से कि जैसे आप वो मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हो ना, याद है मैग्नीफाइंग ग्लास? मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो ये वाला लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। उसमें आप लोग वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे पहले, कि सन की लाइट हो ना, तो सन की लाइट से जो है वो कोई कागज या कोई कॉटन जलाते हो उसमें, कि सन की लाइट जब आती है तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू नीचे एक पॉइंट बनता है, बनता है कि नहीं, नीचे एक छोटा सा पॉइंट बन जाता है। तो उसमें उसमें कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस ही यूज होता है। कि कॉन्वेक्स लेंस लाइट को एमर्ज करता है, मतलब कि एक जगह पर जमा करता है, जबकि कॉनकेव लेंस होता है ना, वो कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है, फैलाता है। जैसे कि टॉर्च होती है, टॉर्च के बाहर है ना कॉनकेव लेंस होता है, इसकी वजह से। तो टॉर्च जब जलाते हैं तो लाइट कैसे पूरी हर जगह फैलती है कि नहीं। गाड़ी की हेडलाइट देखिए ना, गाड़ी की हेडलाइट, उसमें भी कॉनकेव लेंस होता है, कि ये कॉनकेव लेंस उस गाड़ी की हेडलाइट जब जलती है तो वो लाइट को पूरा फैलाता है कि नहीं। तो ये एक पॉइंट माइंड में बिठा देना, कि कॉन्वेक्स लेंस वो लाइट को जमा करता है, जबकि कॉनकेव लेंस वो लाइट को फैलाता है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को एमर्ज करता है, कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है, ठीक है। अब इसके थ्रू हम लोग इनकी इमेज कैसे बनती है वो देखें। तो याद है रिफ्लेक्शन में जैसे हमने उसके कुछ रूल्स देखे थे, वैसे ही इसमें भी उसके वही रूल्स आते हैं। मैं इसलिए अभी थोड़ा उतावल में चलूंगा, क्योंकि जो जो पॉइंट रिफ्लेक्शन में थे ना, सेम पॉइंट रिफ्रेक्शन में भी हैं। बस उसमें मिरर था, इसमें लेंस है, और कुछ फर्क नहीं होगा, ठीक है। रूल्स के भी कोई फर्क नहीं आएगा, सेम टू सेम। देखो जैसे पहले हम लोग इसके रूल्स देखें,
तो सबसे पहला रूल ये कि जो हमने आगे समझा था कि अगर कभी भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो पास होके कहाँ पे जाएगी। याद है रिफ्लेक्शन में हमने रूल देखा था। देखो वो रूल भूलना मत बेटा, क्योंकि इसमें भी वही रूल्स आते हैं कि कोई भी लाइट अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर लाइट पास करो तो वो रिफ्रैक्ट होके हमेशा ये फोकल पॉइंट में से पास होगी। यही रूल रिफ्लेक्शन में भी था ना, कि फिर भले वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, कॉन्केव लेंस में से भी अगर लाइट आप पास करो तो वो यहाँ ऊपर जाएगा, लेकिन इमेजिनरी अगर उसे लेकर आओ तो वो फोकल पॉइंट में से ही पास होगा ना। ठीक है, तो ये पहला रूल कि लाइट कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो हमेशा ये फोकल पॉइंट में से पास होगी। दूसरा रूल कि अगर लाइट कभी भी फोकल पॉइंट में से पास हो, जैसे कि यहाँ ड्राइंग है, कि अगर फोकल पॉइंट में से लाइट पास हो रही है तो रिफ्रैक्ट होके वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। कि अगर फोकल पॉइंट में से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पहले वाले का उल्टा। ठीक है, भले फिर वो कॉनकेव लेंस भी हो, कि अगर फोकल पॉइंट की तरफ हम लाइट पास कर रहे हैं ना तो वो रिफ्रैक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, और तीसरा रूल कि अगर लाइट को ऑप्टिकल सेंटर ओ में से पास करते हैं, ये ओ ऑप्टिकल सेंटर उसमें से पास करते हैं तो वो सीधी पास हो जाएगी। ये रिफ्लेक्शन नहीं है कि टकरा के वापस आएगी, नहीं, अगर ऑप्टिकल सेंटर ओ में से पास करेंगे ना तो वो सीधी पास हो जाएगी और बेंड होगी नहीं, जरा सी भी बेंड नहीं होगी। आगे जो हमने देखा कि अगर पैरेलल पास करते हैं तो बेंड होके रिफ्रैक्ट होके एफ में से जाएगी, लेकिन अगर ओ में से पास करोगे ना तो वो जरा सी भी बेंड नहीं होगी और सीधी पास हो जाएगी। फिर भले कॉनकेव लेंस में भी ओ में से पास करो तो वो बेंड नहीं होगी, एकदम सीधी पास हो जाएगी। ठीक है, और इसी के हिसाब से अब इमेजेस देखें। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में 6 इमेजेस देखी थी ना, है ना, 6 और 2 कॉनकेव के लिए। अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही 8 इमेजेस हैं और कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी रूल्स में फर्क नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ एक ही फर्क है, उसमें मिरर था, इसमें लेंस है। तो देखो इनमें वैसे ही जो है वो हम लोग रूल्स देखें तो इमेजेस में जो इमेजेस बनती हैं, ये 6 इमेजेस और याद करना है अच्छी तरह से। सबसे पहली कंडीशन कि अगर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रखा गया हो, कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो मतलब एकदम दूर हो, तो उसकी पोजीशन कहाँ बनेगी, तो पोजीशन ऑफ इमेज बनेगी एट फोकस F2। ठीक है ना, F2 मतलब वही इस तरफ हुआ। कि अगर इन्फिनिटी पे रखा जाए, जैसे ड्राइंग देखो, इन्फिनिटी मतलब एकदम दूर से ये लाइट आ रही है, ये सब लाइट आ रही है ना एकदम दूर से, तो ये सभी लाइट जो आगे जा रही है वो रिफ्लेक्ट होके मतलब सब मुड़ के एक पॉइंट पे जमा होगी, और जहां जब पॉइंट पे जमा हो वहां इमेज बनता है ना, तो ये इमेज कहाँ बनेगा, एट F2। हाँ, भले F2 ना लिखो तो F लिखो तो भी चलेगा। ठीक है ना, ये F1 और F2 कहते हैं, लेकिन आप भले दोनों में FF लिखो, कि ये फोकल पॉइंट तो दोनों तरफ हुआ ना, और यहाँ जो 2F2 2F1 और 2F2 लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पे भी आप भले 2F और 2F ही लिखो वो चलेगा। तो चलो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखो तो इमेज कहाँ मिलेगी, F पर। साइज कैसी होगी, तो हाईली डायमिनिश्ड और पॉइंट साइज, हाईली डायमिनिश्ड और पॉइंट साइज एकदम छोटी, पॉइंट जितनी। और नेचर कैसा होगा, तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक चीज याद करवाऊँ, आप है ना कभी टेक्स्ट बुक भी लेकर बैठना, ये लेंस की 8 इमेज और मिरर की 8 इमेज, वो दोनों इमेज साथ में रखना जो हमने रिफ्लेक्शन में देखी थी और ये जो रिफ्रैक्शन में देख रहे हैं, दोनों में ये 8-8 इमेज है, दोनों इमेज साथ में एक बुक में बना कर रखना, देखना दोनों बिल्कुल सेम है, एक याद करोगे तो दूसरी याद हो जाएगी। अब यहाँ एक रूल बताऊं कि हमने रिफ्लेक्शन में ऐसा पढ़ा था कि जो कॉनकेव मिरर होता है ना, कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल और इन्वर्टेड मिलता है,
खाली एक ही कंडीशन होती है पता है, एफ और पी के बीच में, तो वर्चुअल मिलता है। जबकि जबकि यहाँ लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल और इन्वर्टेड मिलता है, खाली एक ही कंडीशन होगी ये एफ और ओ के बीच में। तो एक चीज याद रखो कि कॉनकेव मिरर में, लिख देना ये कि कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल और इन्वर्टेड मिलेगा और कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल और इन्वर्टेड मिलेगा, लेंस में उल्टा। और वैसा ही कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा, जबकि कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो जो कॉनकेव मिरर में है ना वो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में है, और जो कॉन्वेक्स मिरर में है ना वो यहाँ कॉनकेव लेंस में है, बस उल्टा है ये। ऐसे ही देखो अब दूसरी कंडीशन, कि ये दूसरी कंडीशन है कि अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f, मतलब ये 2f के पीछे, ये जो 2f है इसके पीछे ये ab दिया हुआ है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, f और 2f के बीच में, बराबर। कैसे, वो दो लाइट हमेशा निकलती है ना, देखो एक लाइट सीधी जा रही है यहाँ c की तरफ जो मुड़ के यहाँ पर आई, और एक लाइट यहाँ o में से पास हो रही है, ये दोनों जहाँ ज्वाइंट होंगे वहाँ इमेज बनेगी b डैश और a डैश, ठीक है ना। ये इमेज कहाँ बनी, f और 2f के बीच में। साइज कैसी, तो डायमिनिश्ड, छोटी। नेचर कैसा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना, रियली दोनों ज्वाइंट हुए ना, तो रियल और इन्वर्टेड, बराबर। ऐसा ही तीसरी कंडीशन वो है एट 2f, कि एट 2f, एग्जिट 2f पे रखो, देखो 2f मतलब c कहलाता है, सेंटर, और वो रिफ्लेक्शन में भी रूल था कि सेंटर पे कोई इमेज रखो तो उसकी इमेज, सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखो तो उसकी इमेज सेंटर पर ही मिलेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखो तो इमेज भी 2f पर मिलेगी, ठीक है। साइज कैसी होगी, सेम साइज, देखो इसमें भी ये जो ऑब्जेक्ट रखा है तो ये a में से एक सीधी लाइट जा रही है, ये m के पास बेंड होके यहाँ f में से पास होगी, और दूसरी लाइन ये जा रही है ओ में से सीधी लाइन यहाँ, दोनों जहाँ ज्वाइंट हुए वो 2f पर ही इमेज बना, ठीक है ना, उल्टा इमेज। तो नेचर कैसा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। फिर फोर्थ कंडीशन के बिटवीन f एंड 2f, देखो ये मैं जल्दी जल्दी इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, जो रिफ्लेक्शन में था वही यहाँ रिफ्रेक्शन में भी है। कि जैसे f और 2f के बीच में अगर रखो, यहाँ पर ये 2f और f के बीच में अगर रखा ये ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f, पहले जैसे रखा था ना कि बियॉन्ड 2f पे रखो तो f और 2f पे, यहाँ पे f और 2f पे रखो तो बियॉन्ड 2f, बराबर। तो यहाँ पे f और 2f पे रखा, देखो इसमें से भी एक सीधी लाइट पास होगी, यहाँ m से बेंड होके आएगी f पर से, और एक लाइट यहाँ o में से पास होगी एकदम सीधी, तो दोनों की इमेज यहाँ बनेगी ना b डैश a डैश, ये इमेज कैसी होगी, n लार्ज। अब ये भी रूल याद है कि जैसे हमने लेंस और मिरर में भी बताया था, सॉरी कि मिरर में बताया था, ये मिरर बना रहा हूँ, कि ये मिरर में यहाँ पर f और यहाँ पर C जो होता है, तो मैंने एक रूल बताया था कि C के इस तरफ अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे ना तो उसकी इमेज हमेशा छोटी मिलेगी, C पे ऑब्जेक्ट रखोगे ना तो उसकी इमेज सेम साइज की मिलेगी, और C के आगे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे ना कहीं पर भी तो उसकी इमेज हमेशा बड़ी मिलेगी, याद है रिफ्लेक्शन में। तो इसमें भी तो वही रूल है, देखो कि ये ऑब्जेक्ट इस C के आगे रखा, यहाँ पे रखा ना ऑब्जेक्ट, तो इसलिए उसकी इमेज कैसी मिली, एन लार्ज मिली, ठीक है। और नेचर कैसा, तो नेचर तो भाई कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही मिलेगा। इसके बाद की कंडीशन, तो अब कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट रखा हमने एट फोकस एफ, ठीक है, एफ पे रखा, तो अगर एफ पे रखो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। जो पहली कंडीशन देखी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखो तो इमेज एफ पे बनेगी, और एफ पे ऑब्जेक्ट रखो तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है।
इन्फिनिटी पे ये तैयार होगा, और उसका इमेज की साइज कैसी, तो इन्फिनिटली लार्ज या तो हाईली एनलार्ज, एकदम दूर ये बनेगी इमेज तो वो बहुत लार्ज बनेगी, ठीक है ना। ये एफ पे रखो, वैसे ही देखो ये दो लाइट जो पास हो रही है, एक ये एफ में से एक ओ में से, तो दोनों लाइट जहां ज्वाइंट होगी ना आगे जाकर, वहां पर इमेज बनेगी एकदम बड़ी। साइज कैसी, और सॉरी नेचर कैसा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। और आखिरी जो स्पेशल कंडीशन, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही इमेज मिलता है, बस एक कंडीशन जिसमें वर्चुअल इमेज मिलता है, वो आखिरी कंडीशन कि जब इमेज एफ और ओ के बीच में, कि जब इमेज रखा जाए बिटवीन फोकस एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, यहाँ देखो कि ये इमेज रखा है हमने ए बी, ठीक है, ये एफ और ओ के बीच में, तो इसकी इसकी जो है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट रखा हमने, हाँ सॉरी ऑब्जेक्ट, इमेज नहीं, इमेज कैसे रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखा, और उसकी इमेज कहाँ मिलेगी हमें, इमेज यहाँ मिलेगी कि ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड मतलब उसी साइड पे मिलेगी ये इमेज ए बी। सब में इमेज कहाँ मिल रही थी, मिरर के इस तरफ मिल रही थी ना, मिरर बोल रहा हूँ, लेंस के उस तरफ मिल रही थी ना, लेकिन यहाँ पर इमेज कहाँ मिलेगी, उसी साइड सेम साइज पे। और साइज कैसे होगी, तो साइज एन लार्ज, वो तो सी के इस तरफ ऑब्जेक्ट रखो तो इमेज बड़ी ही मिलेगी। और नेचर कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है, और इरेक्ट सीधी, क्योंकि यहाँ देखो ये जो ए बी ऑब्जेक्ट रखा है ना, उसमें से देखो दो लाइन बन रही है, एक सीधी लाइन जा रही है यहाँ एफ की तरफ, ठीक है, बेंड होके, और ये एक ओ में से लाइट पास हो रही है, ये दोनों लाइट अगर आगे ले जाए ना तो कहीं पे भी ज्वाइंट नहीं होगी, तो इसीलिए उसे इमेजिनरी पीछे ले जाते हैं। देखो ये पीछे डॉट डॉट करके ले गए हैं दोनों लाइट को, तो पीछे यहाँ ज्वाइंट होगी वो लाइट, तो यहाँ इमेज बनेगी सीधी, ए डैश बी डैश ऊपर की तरफ बन रही है ना इमेज, तो वो सीधी इमेज बनी, इरेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो बताया ना, कॉन्वेक्स लेंस से हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही मिलेगी, बस ये एक ही कंडीशन है कि जहाँ एफ और ओ के बीच में रखो तो आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी, बरोबर। जो रिफ्लेक्शन में भी पता है ना, ये एक ही कंडीशन थी वैसे ही। अब जैसे कॉन्वेक्स लेंस देखा ना, अब ऐसे ही कॉनकेव लेंस की दो कंडीशन, कॉनकेव लेंस की दो ही कंडीशन दी गई है उस रिफ्लेक्शन की तरह। जहां पे पहली कंडीशन है कॉनकेव लेंस में, कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखो, ऑब्जेक्ट एकदम दूर से ये लाइट आ रही है, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखो तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज एफ पे ही बनेगी, ये तो रूल ही है, इन्फिनिटी पे रखो तो एफ पर ही बनेगी, क्योंकि ये जो लाइट पास हो रही है ना, अब ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है, फैलाता है, तो इसलिए देखो कि यहाँ पर जो ये लाइट आ रही है, वो लाइट आती हुई यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे नहीं, ये भी लाइट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी रिफ्लेक्ट होके, तो ये दोनों लाइट आपस में ज्वाइंट होगी ही नहीं, ठीक है। कॉनकेव लेंस वो एक बैटरी की तरह, टॉर्च की तरह काम करता है, लाइट को फैलाता है, तो इसलिए इसको इमेजिनरी पीछे लेकर आए, उसको इमेजिनरी अगर पीछे लेकर आए तो यहाँ पर लाइट जमा होगी, उसे कहते हैं ये फोकस एफ पर। साइज कैसी होगी, तो हाईली डाइमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज एकदम पॉइंट जितनी। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये रियल नहीं है, रियली ज्वाइंट नहीं हुआ, पीछे इमेजिनरी लेके गए, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, बरोबर। और कॉनकेव लेंस के बाद इसकी दूसरी कंडीशन वो है कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, कि एकदम इन्फिनिटी और ओ के बीच में, मतलब कहीं पर भी कोई एक ऑब्जेक्ट रखा जाए, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज बनेगी एफ और ओ के बीच में, बिटवीन फोकस एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, यहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है। देखो कैसे, कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, उस ए बी में से एक ये लाइट पास हो रही है, वो लाइट एक पास होके वो रिफ्रैक्ट होके ऊपर जाएगी, बरोबर।
और दूसरी एक लाइट पास की, वो दूसरी एक लाइट सीधी ओ में से पास की, और ओ में से पास की तो वो तो सीधी सीधी निकल जाएगी। तो ये दोनों लाइट वो आपस में जॉइंट होगी नहीं। तो इस लाइट को, ये वाली लाइट को अगर इमेजिनरी पीछे लेकर आए, तो वो लाइट इस ये वाली लाइट से कहाँ जॉइंट होगी? तो वो जॉइंट होगी यहाँ पर, जहाँ ये इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, बराबर ना। और इसकी साइज कैसी होगी? डायमिनिश्ड, छोटी होगी साइज। नेचर, नेचर वही वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेजिनरी लेकर आया ना, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में ना ये दोनों चीजें, जैसे हमने रिफ्लेक्शन की वो 8 ड्राइंग और ये रिफ्रैक्शन की 8 ड्राइंग, दोनों सेम ही है। एक याद करोगे दूसरी हो जाएगी, लेकिन ये याद परफेक्टली करना आपके क्वेश्चन आंसर्स में इनके हिसाब से बहुत आएगा, इवन सम्स में भी, बरोबर। तो देखो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, वो है लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। हमने आगे रिफ्लेक्शन में मिरर के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कौन सी फॉर्मूला थी? मिरर फॉर्मूला। और यहाँ पे हम लोग लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सी फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f, कि जहाँ v मतलब कहलाता है, v मतलब कहलाता है कि इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। u मतलब कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f मतलब फोकल लेंथ। मिरर फार्मूला में यही फार्मूला पता है, खाली यहाँ प्लस में आता है 1/v + 1/u = 1/f। लेंस फार्मूला में वही चीज माइनस में आती है, सिंपल सी फार्मूला और सिंपल से सम्स है। तो जब भी आपको कोई तरह का डिस्टेंस ढूंढना हो ना, तो लेंस में डिस्टेंस अगर ढूंढना हो तो ये लेंस फार्मूला लगाते हैं, और अगर मिरर दिया हुआ हो, मिरर में डिस्टेंस ढूंढना हो, तो वो प्लस वाली पहले जो देखी थी वो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और साथ में मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की सेम फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन के लिए जब हाइट के बारे में अगर हमें फाइंड करना हो, तो मैग्निफिकेशन कहलाता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे कहते हैं h-upon-h। इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो, तो उसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। या तो उसकी दूसरी शॉर्ट फॉर्मूला आती है v/u। ठीक है, ये फॉर्मूलाज याद रखना है, इनके सम्स हम लोग कल देखेंगे फिर। और चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक आता है, कॉमन टॉपिक है, जो टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर किसे कहते हैं पता है? पावर ऑफ लेंस की सिंपल सी डेफिनेशन कहो या फार्मूला कहो, उसकी डेफिनेशन वही फार्मूला है कि पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस। मीन्स के फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, 1/फोकल लेंथ का हो, मीन्स फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल वो पावर ऑफ लेंस कहते हैं, या फार्मूला कहते हैं p = 1/f। अब पावर मीन्स क्या, इसका प्रैक्टिकली समझो। जो भी लेंस होता है ना, हर लेंस का पावर अलग अलग होता है। ठीक है ना, हर लेंस का पावर अलग अलग होता है। जो पावर डिपेंड होता है उसकी फोकल लेंथ पे। कोई लेंस होता है, यहाँ देखो, यहाँ जैसे ये कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, कोई लेंस होता है कि अगर वो थिक लेंस हो ना, ज़्यादा थिक हो, जाड़ा हो अगर वो लेंस, तो वो लेंस पर से अगर आप लाइट पास करोगे ना, तो उसकी लाइट एक पॉइंट पे जमा होगी ना, तो वो पॉइंट है ना थोड़ा पास में होगा, कैसे, उस लेंस के थोड़ा पास में होगा। लेकिन अगर कोई थिन लेंस हो ना, थिन लेंस हो, तो उसे थिन लेंस पर से जब लाइट पास करोगे तो वो भी एक पॉइंट पे जमा होगी, फोकल पॉइंट पे, लेकिन वो पॉइंट थोड़ा दूर होगा। ठीक है, तो यही यही जो कोई पॉइंट है, जो कोई लेंस जो है वो लाइट को पास में जमा करता है, यहाँ फोकल पॉइंट बनाता है, तो कोई थोड़ा दूर बनाता है, इसी को ही उस लेंस का पावर कहते हैं। ठीक है ना, इसी को ही क्या कहते हैं, लेंस का पावर। पता है ये लेंस का पावर जो प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा और सबसे कॉमनली यूज होता है ना, जो सबको पता है, इसलिए वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
तो वो होता है चश्मे में, जो आप लोग आंखों के चश्मे, ये स्पेक्स या स्पेक्टिकल्स जो आप लोग पहनते हो, ठीक है ना। ये जो आंखों के चश्मे होते हैं ना, पता है किसी को जो है वो आंखों पे चश्मे आ जाए तो डॉक्टर के पास चेक करवाने जाते हैं। तो डॉक्टर पता है एक मशीन में जो है वो आपको, मशीन के सामने आपको बिठाता है। आप लोग अगर अपने अगर चश्मे चेक करवाने गए हो तो शायद आपको पता हो कि वो एक मशीन के सामने आपको बिठाता है, कि जिसमें आपको कहता है कि मशीन में जो है वो एक चीज़ देखो, कि जहाँ उस मशीन में है ना वो आपको कोई एक इमेज दिखाता है जिसमें एक नेचर की इमेज होती है, एक छोटा सा घर और मैदान होता है, वो मशीन में दिखाते हैं। और वो है ना वो आपकी आंखों में चेक करते हैं कि कहाँ पर आपकी आंख के सामने कहाँ पर वो इमेज रखें तो आपकी इमेज एकदम क्लियर दिखाई देती है। जो लोग चश्मे चेक करवाने गए होंगे ना उसको एकदम क्लियर पता होगा, मुझे पता है मैं चेक करवाने गया हूँ इसीलिए, कि वो है ना एक इमेज बताते हैं और वो इमेज है ना हमारी आंखों के सामने सेट करते हैं कि कितनी दूर वो इमेज रखो तो वो इमेज एकदम क्लियर दिखाई देगी। फिर जितनी दूर से वो इमेज हमारी आंखों में क्लियर दिखाई दे ना, मतलब समझो वो हमारी आंखों का है ना पावर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? पावर। यहाँ कैसे हमने, मैंने बताया कि इस कॉन्वेक्स लेंस में बताया ना कि कहाँ पे ये लाइट जमा होती है एक पॉइंट पे, तो समझो वो उस एक पॉइंट पे हमारी आंखों की लाइट भी कहाँ पे जमा हो रही है और कहाँ इमेज मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, वो उस मशीन में चेक करते हैं। तो जिससे पावर पता चलता है और उस पावर के हिसाब से फिर हमें ये चश्मे बना कर देते हैं। किसी को एक पावर का होता है, किसी को जो है वो ये दो पावर का, किसी को तीन पावर का, ऐसे होता है, समझे। तो ये पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का यूनिट है ना, उसका यूनिट आता है डायोप्टर। क्या उसका यूनिट आता है? डायोप्टर, डी यूनिट आता है। पावर ऑफ लेंस में, पावर ऑफ लेंस में अगर यूनिट प्लस में हो ना, जैसे कि अगर प्लस 2.0 ऐसे दिया हुआ है, तो अगर प्लस में है ना पावर, तो इसका मतलब कि उसकी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस है। प्लस पावर हो तो प्लस पावर किसका होता है? कॉन्वेक्स लेंस का, याद रखना। और अगर माइनस में हो ना, किस कोई पावर अगर ऐसे दिया हुआ हो -2.0 डायोप्टर, उसका यूनिट है डायोप्टर। जैसे आप डिस्टेंस मेजर करते हो तो उसका यूनिट मीटर आता है ना, मीटर सेंटीमीटर, तो वैसे पावर मेजर करने के लिए यूनिट क्या आता है? डायोप्टर आता है, डी। तो अगर प्लस में हो ना डायोप्टर, +2.0 डायोप्टर, मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस है, वो पावर किसका हुआ? कॉन्वेक्स लेंस का पावर हुआ। अगर माइनस में हो ना डायोप्टर, ये -2.0 डायोप्टर माइनस में दिया हुआ है पावर, तो इसका मतलब वो कॉनकेव लेंस का पावर हुआ। आप लोगों में से जिसके भी चश्मे होंगे ना, तो वो चश्मे का नंबर है ना माइनस में होगा, चेक करना। आप लोग जो है वो डॉक्टर के पास अगर गए हो तो आप लोगों के सब में, सबके जो भी चश्मे होंगे ना उसका नंबर है ना माइनस में होगा, क्योंकि आपके जो चश्मे बने हुए हैं ना वो कॉनकेव लेंस के बने हुए हैं। कॉनकेव लेंस में पावर हमेशा माइनस में आता है, ठीक है, क्योंकि 30 इयर्स की एज तक, 30-35 ईयर की एज तक उसमें कॉनकेव लेंस यूज होता है, माइनस में पावर आता है, ठीक है। और उससे बड़ी एज हो जाए ना तो उसके बाद जो है वो ये कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है आंखों में। उसकी थियरी आगे के चैप्टर में है, हाँ ये आंखों की थियरी है आगे के चैप्टर में जो हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि पावर का यूनिट क्या? डायोप्टर। कि अगर प्लस में हो तो कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। और अगर माइनस में पावर हो तो कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये पॉइंट्स पे क्लियर हुआ ना, तो हमारा चैप्टर अभी यहाँ कंप्लीट हुआ ना, इनके सम्स हम लोग फिर कल देखेंगे। तो अभी जैसे हमने ये देखा ये चैप्टर्स, अब ऐसे ही इनके साइंस के दूसरे चैप्टर्स भी हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है ना, और इनके सम्स हम लोग फिर कल के वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।